आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस के घोटालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार, मोदी ने कहा कांग्रेस कहती है जो हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा को लेकर राहुल गांधी का बयान, पित्रोदा हुआ तो हुआ के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। प्रियंका वाड्रा के निशाने पर मोदी, प्रियंका ने कहा हजारों किसानों की मौत पर तपस्वी प्रधानमंत्री मौन रहे। कमलनाथ के मंत्री ने दी दिग्विजय सिंह को गाली, दिग्विजय ने मतदाताओं का माना आभार। और बस्तर में महिला कमांडो सुपर 30 मोर्चे पर नक्सलियों से कर रही हैं दो दो हाथ। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। मोदी ने कहा कि पनडुब्बी घोटाले, सब मरीन घोटाले, वो फोर्स घोटाले पर इनका एक ही जवाब है, हुआ तो हुआ। इनके राज में हमारे वीर जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिला, आतंकी हमलों में हमारे जवान शहीद होते थे, लेकिन ये कहते थे हुआ तो हुआ। सारे देश को पता चल गया है। इसी तरह भोपाल में गैस कांड हुआ, जिसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। इस बारे में भी अगर बात की जाए तो उनका अंदाज यही रहता है, हुआ तो हुआ। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के आखिरी और सातवें चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये सभी सीटें मालवा निमाड़ की हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम पहुंचे और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है, वो मुझे गाली देते हैं, नामदार गाली से शुरुआत करते हैं। आप बताइए, देश गाली भक्ति से चलेगा या राष्ट्रभक्ति से? पीएम मोदी ने यहां रतलाम के शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं शहीद अफसर को नमन करता हूं। एक तरफ तो धर्मेंद्र ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने नौसेना के युद्धपोत को पिकनिक मनाने के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस मध्य वर्ग को लालची कहती है, उस पर टैक्स लगाने की बात करती है। अब वो मध्य वर्ग महामिलावटी लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब हुआ तो हुआ से काम नहीं चलेगा। आग के दौरान अपने युद्धपोत को बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान है दिया है। मैं उन्हें और उनके परिवार को नमन करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं? ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ, हुआ 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 तो हुआ तो हुआ तो। देश की सुरक्षा और रक्षा घोटालों को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर कोसा। मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्जा माफ करना था, 10 दिन के भीतर सबका कर्जा माफ करने को कहा था, हुआ क्या? बिजली का बिल हाफ करेंगे कहा था, बिल हाफ हुआ या बिजली सप्लाई हाफ हुई? आज किसानों के घर पर पुलिस पहुंच रही है, कर्जदार किसानों को जेल जाने की नौबत आ रही है। इस सवाल का जवाब है तुगलक रोड चुनाव घोटाला। दिल्ली में जो इनके नामदार हैं, उनके पोस्टर जो आप रतलाम, झाबुआ और उज्जैन में देख रहे हैं, वो उस चोरी का माल है।
ये पैसे गरीब बच्चों और प्रसूता माताओं के पोषण के लिए भेजा था, जो उन्होंने लूट लिया। कैसे देश ने देखा कि कांग्रेसियों के घर से नोटों के बोरे निकले। मोदी ने वोट नहीं डालने के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इनका अहंकार कल दिखा। मैं खुद अहमदाबाद वोट डालने गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कतार में खड़े थे, लेकिन दिग्गी राजा वोट डालने नहीं गए। वो दिन भर भोपाल में दौड़ते दिखे और मुझे भोपाल वालों बचा लो कह रहे थे, वरना नौकरी चली जाएगी। अपने वोट का बहिष्कार कर दिया। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। 1984 के सिख दंगों को लेकर नया बवाल खड़ा हो चुका है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को लेकर राहुल गांधी का बयान आया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लुधियाना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पित्रोदा को उनके बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। पंजाब के खन्ना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 1984 सिख विरोधी दंगों का मामला उठाया। उन्होंने इस मामले पर सैम पित्रोदा द्वारा की गई टिप्पणी को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा, पित्रोदा ने 1984 के दंगे पर जो कुछ कहा वह गलत था। मैंने फोन कर उनको कहा कि उनको ऐसी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए। आपको अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। सच्चाई सबके सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी सच बोलती है, प्यार से काम करती है, जोड़ने का काम करती है, और जो कहती है वो करती है। तो आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। हमारे यहां कैंडिडेट है, अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। अब मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूं, देखिए, और मैंने ये सैम पित्रोदा जी से भी कहा कि जो सैम पित्रोदा जी ने 1984 के बारे में बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है, और उनको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, और यही मैंने सैम पित्रोदा को फोन करके कहा कि सैम पित्रोदा जी, आपने बिल्कुल गलत बोला, शर्म आनी चाहिए आपको, और ये आप पब्लिक अपॉलॉजी मांगिए। पित्रोदा द्वारा सिख विरोधी दंगों को लेकर दिए बयान के बाद से ही कांग्रेस और पित्रोदा भाजपा के निशाने पर हैं। पीएम मोदी व अन्य विरोधी दल पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। यही वजह रही है कि राहुल गांधी को अब इस मामले में सार्वजनिक रूप से बयान देना पड़ रहा है। राहुल ने मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर नोटबंदी काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो बैंक की लाइनों में ईमानदार लोग, युवा, महिला, किसान क्यों खड़े थे? उन लाइनों में चोर क्यों नहीं थे? देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रतलाम रैली के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी यहां पहुंची हैं और कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी विकास की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने गरीबों और आदिवासियों का अधिकार छीना है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पीएम मोदी खुद को तपस्वी बताते हैं, कि लेकिन यही तपस्वी प्रधानमंत्री किसानों को उपज का सही दाम नहीं दिला पाए। हजारों किसानों की मौत पर तपस्वी प्रधानमंत्री मौन रहे। प्रियंका ने उज्जैन और इंदौर में रोड शो भी किए। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मालवा इलाके का धुआंधार दौरा किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने उज्जैन में महाकाल की पूजा की और उसके बाद एक रोड शो किया। उसके बाद प्रियंका वाड्रा ने रतलाम में एक रैली की और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही केंद्र की खाली पड़े 24 लाख पदों को भर दिया जाएगा। मनरेगा के तहत रोजगार का दायरा बढ़ाया जाएगा। किसानों के लिए फूड पार्क बनाए जाएंगे, जिससे आपकी उपज को सीधे बाजार मिलेगा। जिन छोटे व्यापारियों को जीएसटी से कमर टूट गई है, उनके लिए कांग्रेस सरल जीएसटी लाएगी। कर्ज माफी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो भाजपा के नेता हमारा मजाक उड़ाते हैं। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया। आज नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। अब चुनाव आया तो प्रचार और भारी होने लग गया। मोदी जी कहने लग गए कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं और 50 सालों की उनकी तपस्या की उन्होंने,
और 5 सालों में तपस्या द्वारा ही आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, तपस्या अहंकार को तोड़ती है, तपस्या क्रोध और नफरत का विनाश करती है। इनकी तपस्या ने अहंकार नहीं तोड़ी है, तोड़ा है। आज इस सरकार का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके बीच आने का एक ही माध्यम है, वो सिर्फ इस तरह से बड़ी बड़ी मीटिंगों में आपको भाषण देने आते हैं। लेकिन अपने ही क्षेत्र वाराणसी में, अपने ही संसदीय क्षेत्र में 5 सालों के अंदर उन्हें 5 मिनट का समय नहीं मिला कि वो एक भी गरीब के घर, एक भी किसान के घर जाएं और उनसे ये पूछे कि आपका हालचाल क्या है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि 2014 से प्रचार का अजीब सिलसिला शुरू हुआ है। भाजपा के लोग टीवी और अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन करके झूठे वादे करते हैं और कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो यह बताइए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया। प्रियंका गांधी ने कहा मोदी बड़े तपस्वी बनते हैं लेकिन जनता की आवाज नहीं सुनते। जब पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान अपनी समस्याओं के लिए नंगे पैर प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली में पहुंचे तो प्रधानमंत्री के पास उनसे 5 मिनट मिलने के लिए वक्त नहीं था। मोदी सरकार के पिछले 5 साल में समय पर किसानों को खाद बीज नहीं दिया गया, उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिला, 12,000 किसान आत्महत्या कर गए, तब भी ये मौन रहे और कहते हैं कि तपस्वी हैं। ये कैसे तपस्वी हैं? इसके बाद प्रियंका इंदौर पहुंची और वहां उन्होंने रोड शो किया। प्रियंका को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे। राजमहल्ला चौराहे से राजवाड़ा के बीच रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी इंदौर आई। इंदौर से गांधी परिवार का खासा नाता रहा है। प्रियंका से पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी भी इंदौर में रोड शो कर चुकी हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भी इंदौर में रोड शो किया था जिसका पार्टी को काफी फायदा मिला था और 15 साल बाद कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में वापस लौटी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की निगाहें भोपाल पर हैं और भोपाल की नजर दिग्विजय सिंह पर है। मतदान के दिन कांग्रेस दिग्गज दिग्विजय सिंह काफी परेशान नजर आए। वह स्कूटर पर पोलिंग बूथ जा जाकर मतदान का जायजा लेते रहे। हालांकि दिग्विजय ने इन्हें वोट देने और नहीं देने वालों का शुक्रिया अदा किया। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। भोपाल में मतदान के दिन दिग्विजय कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आए। उनके चेहरे से तनाव साफ साफ झलक रहा था। स्थिति इतनी विषम हो गई थी कि दिग्विजय सिंह अपना वोट डालने तक नहीं गए। दोपहर में दिग्विजय सिंह पोलिंग का जायजा लेने विधायक आरिफ मसूद के साथ एक्टिवा पर निकल पड़े। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि उनके कारण ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उनका स्कूटर चला रहे विधायक आरिफ मसूद ने ना तो हेलमेट पहना और ना दिग्विजय सिंह ने। भोपाल शहर में मसूद यातायात के नियमों का खुला उल्लंघन करते नजर आए जिसमें दिग्विजय सिंह उनके सहभागी भी बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह की परेशानी साफ जाहिर कर रही थी कि वह भोपाल से चुनाव लड़के
फंसे गए हैं या भोपाल से चुनाव लड़वा के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें फंसवा दिया है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मतदाताओं के प्रति आभार जताया है। उन्होंने उनका भी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। कमलनाथ खेमे के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को गाली देते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। सज्जन सिंह का गाली वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो से उजागर हो गया है कि कांग्रेस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से इस कदर नाराज हैं कि सरेआम उन्हें गालियां दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सज्जन सिंह वर्मा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सज्जन सिंह अपने समर्थकों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह को गंदी और भद्दी गाली दे रहे हैं। सज्जन वर्मा की गाली जाहिर करती है कि कमलनाथ खेमे के लोग दिग्विजय सिंह को कतई पसंद नहीं करते। दिग्विजय सिंह ने बोल दिया टिकट मिल रही है, मना कौन वोट दे देगा सर, अपने कौन भी यार हड़ा था। यह वीडियो कब का है ये साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन सज्जन सिंह जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की सारी राम कहानी को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। दिग्विजय सिंह भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कमलनाथ ने उन्हें भोपाल से टिकट जरूर दिया, लेकिन कमलनाथ के लोगों ने दिग्विजय सिंह विजयी हो इसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। सूत्र बताते हैं कमलनाथ सरकार के कामकाज में दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप से भी कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री खासे नाराज हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। भोपाल लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद होकर भोपाल की पुरानी जेल में पहुंच गया है, जहां स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद भोपाल लोकसभा सीट के सभी बूथों की ईवीएम मशीन को पुरानी जेल स्थित स्ट्रांग रूम में कल से ही लाए जाने का सिलसिला जारी है। स्ट्रांग रूम में एक क्लास ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। 8-8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, साथ ही स्ट्रांग रूम के आसपास कड़े सुरक्षा के इंतजाम हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। भोपाल में मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा के बीच है। इधर कलेक्टर सुदामा खाड़े ने स्ट्रांग रूम पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यहाँ अभी चुनाव के बाद जो कोल्ड इंडियंस है स्ट्रांग रूम में, इसके बाद सुरक्षा के देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिकारियों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें अब पकड़े जाने का डर भी नहीं सताता। ये शिकारी बेखौफ वन विभाग की नाक के नीचे से ही बाघ का शिकार कर रफू चक्कर हो गए। यह कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी कई बार ये शिकारी बाघों को मौत के घाट उतार चुके हैं। सवाल ये है कि वन विभाग को सच में कुछ नहीं पता या विभाग की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ये शिकारी घात लगाकर बैठे थे, वन विभाग सोता रहा और शिकारियों ने शिकार करने की तैयारी कर ली। करंट लगाकर शिकारियों ने बाघ को मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बाघ को शिकार हुई जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। यहां लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शरभंगा आश्रम के पास फॉरेस्ट नर्सरी में पानी की तलैया के नजदीक करंट फैला दिया गया था। जब देर रात बाघ पानी पीने पहुंचा तो करंट लगने से उसकी मौत हो गई। यह घटना देर रात दुधमनिया के जंगल में हुई। फिलहाल वन अमले के साथ पुलिस भी मौके पर तफ्तीश में जुटी है। वहीं फॉरेस्ट ने अरमितिया गांव के कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। दमोह से हटा पन्ना मार पर ऑटो और पिकअप वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हटा पन्ना मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन से ऑटो की टक्कर हो गई। इस हादसे में मौके पर ही तीन महिलाओं ने दम तोड़ दिया। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दमोह की कुछ महिलाएं शादी समारोह में खाना बनाने गैसाबाद गई थी और वहां से ऑटो से लौट रही थी। वहीं पिकअप हटा से महिंद्रा की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में दोनों की टक्कर हो गई। मृतक महिलाएं कहां की हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हादसे में घायल हुई चार महिलाओं का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। छतरपुर के नौगांव में एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि पैसे की कमी के चलते ये बुजुर्ग परेशान थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। नगांव के वार्ड नंबर 18 में रहने वाले बुजुर्ग जगत राज अहिरवार ने अज्ञात कारणों के चलते घर के आंगन में लगी बांस की बल्ली से तौलिए का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजन ने बताया कि रविवार की रात 10 बजे के लगभग हम सब परिवार के लोग खाना खाकर अपने घर के अंदर सो गए और मेरे पिता भी खाना खाकर घर के आंगन में बने कच्चे घर में लेट गए। जब सुबह देखा कि पिता तौलिए का फंदा बनाकर बांस की बल्ली से लटके हुए थे, तभी घबराहट में हम लोगों ने तौलिए को काटकर फांसी के फंदे से नीचे उतारा और डायल 100 सहित पुलिस को सूचना दी। पुलिस अब हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की माली हालत ठीक नहीं है, यह भी खुदकुशी का एक कारण हो सकता है। सर वो गाड़ी जब से गाड़ी छोड़ दी उन्होंने तब से मेरा दिमाग टेंशन में रहता था, पता नहीं किस वजह से लगा ली। सर कब लगा ली तुमने? सर रात में। कल कब देखा तुम लोगों ने? सर हमने सुबह देखा। वाल के नाम 13-5 को केसाओ में थाना आकर रिपोर्ट किया कि मेरे पिता जगत राज ने रात को 10-11 बजे खाना पीकर खाकर बाहर वाले कमरे में सो गया था। तो सुबह 6 बजे देखा तो तौलिया से फांसी लगा कर लटका था, जिसे हम परिवार वालों ने नीचे उतार लिया है। रिपोर्ट पर मैं क्रमांक 21/19 धारा 174 जब्त फौजदारी कायम कर जांच में लिया गया है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर में नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए अब डीआरजी की महिला कमांडो सुपर 30 उतर चुकी हैं। ये महिला कमांडोज खुद नक्सलियों से पीड़ित रही हैं और अब नक्सलियों के लिए उनका काल साबित होना चाहती हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप इन्हें सामान्य महिला समझने की भूल मत कीजिए। जंगल में लुका छिपी वाली लड़ाई हो या फिर गोरिल्ला वार, यह हर तरीके से दुश्मन से निपटने के गुर हासिल कर चुकी हैं। नक्सलियों के आतंक ने इन्हें फोर्स में आने के लिए प्रेरित किया और अब यह नक्सलियों को उनकी औकात याद दिलाना चाहती हैं। इन कमांडोज को सुपर 30 नाम दिया गया है। सुपर 30 की हर महिला कमांडोज के मन में नक्सलियों के खिलाफ आक्रोश भरा है। पुलिस अधिकारियों ने ऐसे ही 30 महिलाओं को एकत्र कर डीआरजी की सुपर 30 तैयार की है। इस सुपर 30 की आधे फाइटर्स को अधिकारियों ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए जंगल में उतारा है। बीते बुधवार को दंतेवाड़ा सुकमा बॉर्डर के गोडेरास मुठभेड़ में ये महिला फाइटर्स शामिल रही। इनका चयन अधिकारियों ने बड़ी सोच और दूरगामी परिणाम के लिए किया है। इन सुपर 30 कमांडोज में ऐसी युवती और महिलाओं को रखा गया है जो स्थानीय बोली, भाषा और भौगोलिक परिस्थितियों को समझती हैं। सबसे खास बात यह है कि सभी नक्सलियों से पीड़ित और प्रताड़ित हैं। जो महिला सशक्तिकरण है और महिला कमांडो पुरुष जो कमांडो उनसे पीछे नहीं है और हमने इसका प्रयोग जैसे बीजापुर जिले में, कांकेर जिले में, नारायणपुर जिले में किया है और उनके द्वारा इन जिलों में बहुत अच्छा काम किया गया है। जैसे कि रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन हो या छोटे मोटे जो ऑपरेशन 4-5 किलोमीटर का ऑपरेशन में उनका अहम योगदान। इसके अलावा बहुत सारे शिकायतें जहाँ जो अंदरूनी क्षेत्रों में होती है महिला कमांडो के द्वारा बखूबी किया गया है। तो निश्चय ही यहाँ पे दंतेवाड़ा जिला में आज जैसे उनके द्वारा रीइंफोर्समेंट किया गया तो आगे आने वाले दिनों में भी उनके द्वारा अच्छा काम किया जाएगा। इन महिलाओं के आक्रोश, दर्द और जुनून को देखते हुए अधिकारियों ने इन्हें विशेष ट्रेनिंग के लिए चुना। इनमें सलवा जुडूम में परिजनों को खोने वाली महिलाओं से लेकर नक्सली हिंसा में शहीद होने वाले जवानों की पत्नियां ही नहीं, लाल गलियारे में एरिया कमेटी सचिव जैसे पदों पर काबिज फाइटर्स भी हैं। आधुनिक और पारंपरिक हथियार के साथ बाइक चलाने में यह दस्ता दक्ष है। बेसिक फोर्स के साथ कांकेर में 45 दिन का विशेष गोरिल्ला वार का प्रशिक्षण दिया गया है। सुपर 30 की फाइटर्स मधु पोडियम कभी घरेलू महिला थी, खेत और घर के काम के बाद परिवार में उलझी रही, अब हाथों में बंदूक थामे नक्सलियों के खिलाफ खड़ी है। मधु कहती है कि नक्सलियों को चुन चुन कर मारना है। उसने मेरा सुहाग ही नहीं कई परिवारों को उजाड़ दिया है। अब नक्सलियों से जब भी सामना होगा मैं नहीं, मेरी बंदूक बात करेगी। मधु के पति नक्सली मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। दंतेश्वरी लड़ाके नाम से ये महिला प्लाटून तैयार की गई है जिसमें 30 लोग हैं। तो इनमें तीनों तरह के कंपोनेंट है। इसमें असिस्टेंट कांस्टेबल्स हैं, सहायक आरक्षक, महिला सहायक आरक्षक हैं और यहाँ की लोकल रिक्रूट्स महिलाएं हैं आरक्षक और इसके अलावा सरेंडर्ड कैडल की महिलाएं हैं। तो ये सभी मतलब सरेंडर्ड कैडर की महिलाएं जो कि यहाँ इस एरिया के टेरेन को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं और उनकी भागीदारी से हमारा सूचना तंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा। और ये जो महिलाएं हैं बहुत जोश में काम कर रही हैं और इनका नाम ही है दंतेश्वरी लड़ाके फाइटर्स के नाम से जानी जा रही हैं और बहुत अच्छी सफलता इनको मिली है। पहली बार हमारी 12 कमांडोस कल जो एनकाउंटर हुआ उसकी पार्टी में ये भी शामिल थी और इनको बहुत अच्छी सफलता मिली है उसमें। करीब 7 साल पहले आत्मसमर्पित करने वाली नेशनल पार्क एरिया कमेटी की सचिव बसंती उर्सा का दर्द भी कुछ जुदा नहीं है। वह नक्सली संगठन के जिम्मेदार पद पर रही लेकिन नक्सलियों ने उसकी बगैर जानकारी के पिता और चाचा की हत्या कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गांव में पंच बनकर विकास करना चाहता था। नक्सलियों का यह कृत्य बसंती को भीतर तक झकझोर दिया और वह अब महिला फाइटर्स की सुपर 30 का हिस्सा है। इन सभी महिला कमांडो का एक ही लक्ष्य है, नक्सलवाद का खात्मा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। कहीं जाइएगा मत क्योंकि जर्जर भोपाली सुनाएंगे अब आपको भैरन समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और कल्याण भाई। आजकल तो इलेक्शन में ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, बहुत मजा आ रही है, बता रहे हूँ। अभी कल की ये खबर सुन लो,
ये दिग्विजय सिंह के समर्थन में ये कंप्यूटर मोबाइल वाले बाबा हैं। कौन से बाबाओं के नाम भी देखो कि टेक्निकल हो गए हैं आजकल, वो है ना तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ ये तंत्र मंत्र का उपयोग करना है तो अच्छे कामों में कर लो भैया, थोड़ा ये आतंकवाद समाप्त करवा दो, ये भ्रष्टाचार दूर भगाओ, ये थे ऐसे काम करो इनके लिए। बाबा मैं बता रही हूँ ये बाबा वही है इनको पीछे राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया था। और मैं बता रही हूँ मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूँ अगले चुनाव के बाद, हो सकता है मेरे को मंत्री वंत्री बना दें। बाबा को धंधा अच्छा है बता रही हूँ। और ये खबर ये देख लो प्रियंका गांधी, और ये यानी अब चुनाव में इनको जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होती हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहले इनको ये दुर्योधन वगैरह बोल रही हैं मोदी को, और उसके बाद ये राष्ट्र कवि दिनकर की कविताएं सुना रही हैं, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बताओ अब ये कविताएं वगैरह इनको समझ में आती है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उपयोग बहुत अच्छा हो रही है। हाँ ऐसा चल रहा है। और ये प्रज्ञा ठाकुर इनको है ना ये मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आई थी, इनको इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, कल में मोटरसाइकिल वगैरह पर देखा इनको धूप में घूम रही थी पूरे शहर में। और मुझे लगता है कि हो सकता है ये धूप से उनको भी कुछ फ़ायदा मिलता हो, और चुनाव में तो घूमना पड़ता है पसीना बहाना पड़ता है बता रही हूँ। हाँ ये कांग्रेसी लोग देखो भैया गट्ठे भर भर के है ना वो शिवराज सिंह चौहान के बंगले पे पहुँच गए, वहाँ पे वो सब सबूत देने के करीब माफ़ी के। उन्होंने कहा भैया बैंक वाली लिस्ट लाओ, ये कौन सी लिस्ट लेके आ गए, वो भी मुख्यमंत्री रहे उनको पता है माफ वाफ कैसे होता है बता रहे, ये सबूत ले लेकर जा रहे हैं मतलब क्या परंपराएं शुरू हो गई हैं बता दो। और उनकी सरकार आ गई फिर से तो फिर ये लेके जाएंगे सबूत, ये तो चल रहा है बता रहा हूँ। एक दूसरे को नीचे दिखाने में है ना कोई कसर छोड़ नहीं रहे बता रही हूँ। हाँ ये चल रहा है। वो आजकल कैलाश विजयवर्गीय नहीं दिख रहे, और वो मुझे पता लगा वहाँ गए हुए पश्चिम बंगाल, वहाँ पर ममता बनर्जी को बहुत टेंशन में ला दिया, उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है हमारे मध्य प्रदेश के हैं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। और मैंने सुना है उनकी ससुराल भी वहीं है तो वहाँ पर स्वागत वागत भी अच्छा होता होगा उनका। और मैं बता अभी क्या रिजल्ट आ रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, वैसे लपक के नंबर मिल रहे हैं 500 में से 499, ऐसे मतलब बच्चों को है ना वो शिक्षा मजदूर बना दिया बता रहे हूँ, ऐसी मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से लपक के, स्कूल से आए बस्ता फेंका और फिर कोचिंग जाओ, ये पूरे 24 घंटे पढ़ाई वढ़ाई, ये खेलना कूदना उनका बंद हो गया बेचारों का, वो नंबर देख के बड़े खुश होते हैं माँ बाप। हमें बता रहे हैं उनका मानसिक विकास भी तो ज़रूरी है। वो ये जो जाँचने वाले कॉपी पेपर बनाने वाले पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे टाइम में तो 60% आ जाते थे पूरा मोहल्ले मिठाई बांटता था, वो अब तो भैया हर आदमी मिठाई बांट रहा है 90% से किसी कम नहीं आते। तो ये था तो चल रहा है मजदूरी चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं भी सोच रहा हूँ भैया फिर से है ना अपनी परीक्षा दे लूँ, अपना परसेंटेज सुधार लूँ, लपक के नंबर मिल रहे हैं इस समय। हाँ तो भैया मैं चला कोचिंग पढ़ने, नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देख रहे हैं दखल न्यूज़।